क्रिकेट में 360 डिग्री नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से क्रिकेट पर लगा ब्रेक अब टूट रहा है। पहले इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत और अब साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट की वापसी हो गई है। तीन टीमों के इस अनोखे और नए टूर्नामेंट में पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने वापसी की है। टूर्नामेंट में इस धुरंधर ने धमाकेदार अर्धशतक जमाया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुंकार भरी। ईगल्स टीम की कप्तानी कर रहे डिविलियर्स ने आतिशी पारी खेलते हुए महज 24 गेंदों में तूफानी 61 रन ठोक डाले। इस पारी के दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 21 गेंदों में पूरा कर दिया था। डिविलियर्स की इस आतिशी पारी के दम पर उनकी टीम ने फूट काइट्स और किंग फिशर्स के खिलाफ 12 ओवर में 160 रन का स्कोर खड़ा किया। डिविलियर्स काफी लंबे समय बाद मैदान पर उतरे थे, लेकिन उनके खेलने के अंदाज से कोई ये नहीं कह सकता था कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या क्रिकेट से इतने दिनों से दूर हैं, और ना उनके खेलने में किसी तरह का कोई बदलाव नजर आया। चौके छक्कों की बारिश करते हुए डिविलियर्स ने गेंदबाजों को जमकर मजा चखाया। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि ये टूर्नामेंट तीन टीमों के बीच खेला जा रहा है, जिसे चैरिटी के लिए आयोजित किया गया है। इस मुकाबले में 36 ओवर फेंके गए हैं। तीन टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। हर एक टीम में 8 ही खिलाड़ी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से जिन लोगों को आर्थिक तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, यह मैच उन सभी लोगों की सहायता करने के लिए आयोजित कराया गया है। एबी डिविलियर्स की इस ताबड़तोड़ पारी के बाद ट्विटर हो या सोशल मीडिया का कोई और प्लेटफॉर्म, नंबर 1 पर एबी डिविलियर्स ट्रेंड कर रहे हैं और सारे फैंस उनसे एक बार दोबारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की गुजारिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एबी डिविलियर्स फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस आए, तो कमबैक एबी जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।